हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिचेश मेरा ब्लॉग। और मैं हूँ रिचा। तो आज आप देख सकते हो कि मैं अभी किचन में हूँ, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ अपने लिए चाय। और आज मुझे बहुत सारा काम है, मैंने अभी तक ये कल का वीडियो एडिट नहीं किया है। और मुझे मेरे हस्बैंड के कपड़े प्रेस करने हैं, खाना बनाना है, और शाम को हो सके तो आज मैं वॉशिंग मशीन लगाने वाली हूँ, मीन्स आज मैं कपड़े भी धोऊंगी। तो आज बहुत ज़्यादा मेरा बिजी शेड्यूल होने वाला है। पता नहीं कि मैं क्या क्या काम करते हुए आज व्लॉगिंग कर पाऊंगी, बट मैं आपको इतना बता दूं कि आज मैं बहुत बिजी रहने वाली हूँ। चाय जो कि अभी 2 मिनट में बन जाएगी। और मैंने निकाला अपने लिए थोड़ा सा मिक्सचर, खाने वाली हूँ अभी चाय और मिक्सचर। बस मेरी चाय तैयारी हो गई है। सो गाइस, बन गई है बस मेरी चाय, थोड़ा सा उबाल आने देती हूँ। तो बस मैं अपना नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ। मेरे हस्बैंड के कपड़े प्रेस, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं जल्दी जल्दी करके खत्म कर देती हूँ ये भी काम अपना, और मैं बेड पे ही प्रेस करती हूँ। तो गाइज, यहाँ पे मैंने कर लिया है सारे कपड़े प्रेस। तो कल वाले वीडियो की मैं जल्दी से एडिटिंग करके उसे अपलोड कर देती हूँ, ताकि आप लोगों के पास जल्दी जल्दी से मेरी वीडियो पहुँच जाए। तो गाइज, मैंने वीडियो एडिट कर ली है और मैंने लगा दिया है अपलोड पे। तो मेरे ऑलरेडी 2 काम कंप्लीट हो चुके हैं। एक तो मुझे कपड़े प्रेस करने थे, वो भी मैंने कंप्लीट कर लिया, एंड वीडियो भी अपलोड पे लगा दिया है। तो अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड अब किसी भी टाइम पे आते होंगे, तो मैं खाना उनके लिए रेडी करके रखती हूँ। तो यहाँ पर जा रहे हैं मेरे हस्बैंड खदान। तो गाइस, अभी हो रही है शाम और मैं जा रही हूँ छत पे। मैं कपड़े धोने के लिए जा रही हूँ ऊपर, क्योंकि दिन भर इतनी ज़्यादा धूप होती है ना, कि मैं आजकल कपड़े शाम को ही धोती हूँ। तो गाइस, मैंने यहाँ पे वॉशिंग मशीन लगा दी है और कपड़े धुल रहे हैं। जब तक कपड़े धुलने का काम होता है, तब तक मैं अगेन वॉक कर लेती हूँ, बट अभी धूप कम नहीं हुई है। अभी बज रहे हैं 6:30 शाम के, बट फिर भी अभी धूप है। तो गाइस, मैं कपड़े ज़रूर शाम को धो रही हूँ, बट मैं इसे एक साथ वॉशिंग मशीन में सुखा के रख दूँगी। मैं इसे कल धूप में डालूँगी, क्योंकि यहाँ पे आजू बाजू घर ना होने के कारण इतनी तेज़ हवा चलती है ना, कि कई बार मेरे कपड़े पीन लगा रहता है, बट फिर भी कपड़े उड़ के इधर उधर फेंका जाते हैं। तो मैं रात में रिस्क नहीं लेती सुखाने का, तो मैं सुबह उठ के ही कपड़े को यहाँ पे डालूँगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे रस्सी लगी हुई है,
यहाँ पर डालूंगी मैं कपड़े सुबह। और गाइस आज आपको मेरा फेस इतना सूजा सूजा सा लग रहा होगा क्योंकि मैं अभी जस्ट सो के उठी हुई हूँ और मुझे याद आया कि मुझे कपड़े धोना था, तो इसलिए मैं बहुत जल्दी छत पे आ गई, वरना मैं थोड़ी लेट से आती हूँ। सो के उठने के बाद ना उतनी एनर्जी नहीं होती है, बहुत लेज़ी लेज़ी सा फील होता है, तो वही मेरे साथ भी होता है हमेशा। सो गाइस धुल चुके हैं मेरे कपड़े और मैं आ गई हूँ नीचे। मैं आपको बता दूं कि अभी इतनी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है यहाँ पर, बहुत ही तेज़, और यहाँ पे जब भी तेज़ हवा चलती है ना तो लाइट गोल हो जाता है, तो मैं पहले से ही गैलरी में खड़ी हुई हूँ कि अगर लाइट गोल हो गया तो मुझे अंदर से नहीं आना पड़ेगा। सो इसी हवा तूफान वाले माहौल के साथ मैं आज का ब्लॉग एंड करती हूँ, तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में। बाय गाइज़।